Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. ऑन्टेरियो के प्रीमियर हंगामी सूरतेहाल के बाद सूबे को बदतदरीज दोबारा खोलने के लिए तैयार हो गए। डकफोर्ड की जानिब से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा। ब्राजील में पाई जाने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म का एक केस कनाडा में भी सामने आ गया। टोरंटो पब्लिक हेल्थ ने भी तस्दीक कर दी। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,04,260 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 10,67,71,000 से बढ़ गई है और 22,96,080 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जो बाइडन ने ईरान से पाबंदियां उठाने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान पहले जौहरी मुहादे पर अमल करे फिर पाबंदियां खत्म करेंगे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से तबाही, 14 अफराद हलाक जबकि 170 से ज़ायद लापता हो गए। बरतानिया में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए बड़ा ऐलान सामने आ गया। वैक्सीन एमनिस्टी के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा जेनिफर लॉरेंस शूटिंग के दौरान जख्मी हो गई। शीशा टूटने से अदाकारा की आंख बार बार बच गई। जमानत पर रिहा होने वाली पाकिस्तानी मॉडल अयान ने अपनी ड्रीम कार रोल्स रॉयस खरीद ली। अयान अली कहती हैं, बचपन से ही मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी रोल्स रॉयस कार हो। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ रियल एस्टेट विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956। सीनियर सरकारी जराए ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि वैसे तो इस मामले पर अवामी सतह पर बात करने का मजाज नहीं हूं। ताहम डकफोर्ड गुज़िश्ता माह से नाफिज करदा हंगामी हालात की मियाद बिलतरतीब खत्म करने का ऐलान करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डकफोर्ड हंगामी सूरत हाल के बाद सूबे को बतदरीज दोबारा खोलने के मंसूबे का ऐलान जल्द करेंगे। एक सीनियर सरकारी जराए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि वैसे तो इस मामले पर अवामी सतह पर बात करने का मजाज नहीं हूं। ताहम डकफोर्ड गुज़िश्ता माह से नाफिज करदा हंगामी हालात की मियाद बिलतरतीब खत्म करने का ऐलान करेंगे। उनका कहना था कि ऐन मुमकिन है कि हुकूमत एक एमरजेंसी ब्रेक भी मुतारिफ कराएगी जिसके तहत केसेस में इजाफे की सूरत में सूबे के माहिरीन सेहत को फौरी हिदायत के मुताबिक इलाके को लॉकडाउन में मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाएगी। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डकफोर्ड क्वींस पार्क में डिप्टी प्रीमियर और वजीर सेहत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तवक्को की जा रही है कि डकफोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिंदगी मामूल पर लाने का ऐलान किया जा सकता है क्योंकि 12 जनवरी से सूबा कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बाद से हंगामी सूरत हाल का सामना कर रहा है। कैनेडियन सूबे टोरंटो में भी पहली मर्तबा ब्राज़ील में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म के बारे में इंकशाफ किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ब्राज़ील में पाई जाने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म का एक केस कनाडा में भी सामने आ गया। कैनेडियन सूबे टोरंटो में पहली बार ब्राज़ील में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के बारे में इंकशाफ किया गया है। टोरंटो पब्लिक हेल्थ की जानिब से जारी करदा ऐलामिये में कोरोना वायरस की नई किस्म की तस्दीक की गई है। TPH ने बताया कि ब्राज़ील से सफर करने वाले एक रिहायशी का P1 की मुख्तलिफ हालत का टेस्ट मुस्बत आया था जिसे अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है। TPH तशवीशनाक केसेस की तहकीकात में मसरूफ अमल है। TPH ने एक बयान में कहा कि साइंसदानों और तिब्बी पेशे से वाबस्ता अफराद की जानिब से कोरोना की नई अकसाम सामने आने पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। दूसरी जानिब अमरीका में अमराज पर काबू पाने और रोकथाम के हवाले से काम करने वाले इदारे CDC ने इस बात का इशारा किया है कि वो इस नए किस्म के वायरस पर तहकीक कर रहे हैं ताकि इसको बेहतर तौर पर काबू पाने के लिए वैक्सीन तैयार की जा सके।
कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 20,767 हो गई। वबा से क्यूबेक सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमुई तादाद 8,04,260 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 20,767 हो गईं, जबकि 7,38,766 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 2,70,058 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,031 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,82,932 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,797 है। कैनेडियन सूबा अल्बर्टा में 1,26,767 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,709 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 29,716 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,246 है। कोरोना वबा से दुनिया भर के 7,84,50,304 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,58,26,769 से ज़ायद ज़ेर इलाज हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 10,67,71,000 से बढ़ गई और 23,28,754 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया में कोरोना के 7,84,50,304 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,58,26,769 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 4,74,933 अमवात हो चुकी हैं और 2,76,11,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,55,114 और 1,08,38,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। बरतानिया में 39,45,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं और 1,12,465 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 33,37,000 से ज्यादा अफराद मुतासर और 78,965 जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 26,797 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 25,31,456 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 39वें नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,402 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,70,278 तक जा पहुंची है। जो बाइडन निजामिया के आला हुकाम का कहना है कि ईरान से मुतालिक अमरीका की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। अगर ईरान जौहरी मुहाहदे की पासदारी करता है तो फिर अमरीका भी जौहरी मुहाहदे में शमूलियत इख्तियार कर लेगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नामंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान से पाबंदियां उठाने के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जौहरी मुहाहदे की तजदीद से कबल ईरान पर पाबंदियां ख़त्म नहीं कर सकते। अमरीका के नए सदर जो बाइडन ने ईरान पर पाबंदियों के खात्मे को जौहरी मुहाहदे की तजदीद और अमल दरामद से मशरूत कर दिया है। ताहम ये वाजे नहीं कि मुहाहदे में वापसी में पहल ईरान या अमरीका करेगा। अपनी सदारती मुहिम के दौरान जो बाइडन ये बात दोहराते आए हैं कि ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुहाहदे में जल्द वापस आ जाएंगे और ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी और जखीरा अंदोजी की हदूद की खिलाफ वर्जी से रोकेंगे। कबल अजी ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्ला खामनाई ने कहा है कि ईरान जौहरी मुहाहदे की शिकों की पासदारी उसी वक्त करेगा जब तक ईरान पर आयद पाबंदियों को खत्म ना कर दिया जाए, जिसके बाद ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया था कि अमरीका को जौहरी मुहाहदे में शामिल करने और ईरान पर आयद पाबंदियों को उठाने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर के डैम से टकराने के बाद सैलाब आ गया। जिला चमोली में डैम तबाह होने से करीबी गांव जेरे आब आ गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर के डैम से टकराने के बाद सैलाब आ गया। जिला चमोली में डैम तबाह होने से करीबी गांव जेरे आब आ गए। पानी में बह जाने की वजह से कई अफराद हलाक और सैकड़ों लापता हो गए। इंतजामिया ने इर्द गिर्द के देहात खाली करा लिए हैं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से तबाही के बाद सैलाबी रेला कई अफराद को बहा के ले गया। 14 अफराद हलाक और 170 से ज्यादा अफराद लापता हो गए हैं। सैकड़ों मवेशी भी पानी में बह गए, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं।
हुक्काम के मुताबिक वाकये में ऋषि गंगा बिजली घर का मंसूबा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि तिपवानो डैम को भी खासा नुकसान पहुंचा है। सैलाब से सैकड़ों मवेशी भी पानी में बह गए। मुतासर इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमालय के इस इलाके में कई ग्लेशियर मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से बड़े पैमाने पर आइस ब्लॉक्स टूटे और पानी सैलाबी रेले की सूरत में तबाही की दास्तान छोड़ गया। برطانوی حکومت نے ملک میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ویکسین ایمنسٹی کا اعلان کر دیا۔ ویکسین ایمنسٹی کے تحت 13 لاکھ سے زائد تارکین وطن بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں رہنے والے تمام افراد کو ویکسینیشن کے عمل سے گزارنے کے لیے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق ویکسین ایمنسٹی کا اعلان سامنے آ گیا۔ برطانوی حکومت نے ملک میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ویکسین ایمنسٹی کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر صحت میٹ ہینکاک کا کہنا ہے کہ ویکسین ایمنسٹی کے تحت غیر قانونی تارکین وطن بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ملک میں 13 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس امیگریشن اسٹیٹس چیک کیے بغیر لگتا ہے، ویکسینیشن بلا تفریق کریں گے۔ خیال رہے کہ دنیا بھر میں کرونا وبا کو ویکسین کے ذریعے شکست دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ برطانیہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے انجیکشن کی صورت میں ویکسینیشن کے عمل کی شروعات کی۔ ہالی ووڈ اداکارہ جینیفر لارنس نیٹ فلکس کی فلم ڈونٹ لک اپ کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئیں، جس کے بعد شوٹنگ عارضی طور پر روک دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکارہ جینیفر لارنس نیٹ فلکس کی فلم ڈونٹ لک اپ کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئی، جس کے بعد شوٹنگ عارضی طور پر روک دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق حادثہ جنوب مشرقی میساچوسٹس میں جمعے کی صبح شوٹنگ کے دوران پیش آیا۔ انٹرپرائزز بلڈنگ کا شیشہ شوٹنگ کے دوران جان بوجھ کر توڑا گیا تھا اور شیشہ اداکارہ جینیفر لارنس کی آنکھ کے قریب آ کر لگا۔ جیسے ہی حادثہ پیش آیا تو اداکارہ جینیفر زمین پر جا گری، جس کے بعد کریو ممبرس اور کو اسٹار نے فوراً ان کی مدد کی۔ جینیفر لارنس خیریت سے ہیں اور کچھ روز آرام کے بعد ان کی شوٹنگ میں واپسی کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ اداکارہ جینیفر لارنس جلد نیٹ فلکس کی آنے والی فلم ڈونٹ لک اپ میں نظر آئیں گی، جس کی ہدایت کاری ایڈم میکے دے رہے ہیں۔ ماڈل گلوکارہ ایان علی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے، جس میں رولز رائس کار کے اندر ان کا پالتو کتا گریمی بیٹھا ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی بہترین ماڈل اور گلوکارہ ایان علی نے اپنی ڈریم کار رولز رائس بلاخر خرید ہی لی۔ ماڈل اور گلوکار ایان علی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں رولز رائس کار کے اندر ان کا پالتو کتا گریمی بیٹھا ہوا ہے۔ ایان نے گاڑی کی تصویر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک طویل کیپشن بھی لکھا۔ ماڈل اور گلوکار ایان علی نے بتایا کہ بچپن سے ہی میری یہ خواہش تھی کہ میری اپنی رولز رائس کار ہو۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آج میرے پاس میری اپنی رولز رائس کار ہے۔ ایان علی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ اس کے لیے جو میں پہلے تھی اب ہوں اور آئندہ رہوں گی۔ اپنی پوسٹ کے آخر میں ایان علی نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ خواب پورے نہیں ہوتے، اگر آپ کی نیت اور دل صاف ہو اور آپ محنتی ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام تر چیزیں ادا کرتا ہے جو آپ کے تصور میں ہوتی ہیں۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔ ڈیلی کینیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اینڈ اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی۔ ٹیک ٹی وی اپڈیٹس یو اباؤٹ کورونا سچویشن ان کینیڈا اینڈ اراؤنڈ دا گلوب۔